अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SDMS बॉयज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट अरेबिक, चैप्टर नंबर 5, पार्ट 6। स्टूडेंट्स, ये हमारे वीडियो का पार्ट 6 है, जिसके अंदर आज हम सर्कल द करेक्ट लेटर हम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? हम सर्कल द करेक्ट लेटर, यानी के हमको सर्कल करना है। ये वर्ड है, जैसे ज़ा एक वर्ड, एक सर एक लेटर है, तो ये लेटर आपको ये सामने जितने भी सारे वर्ड में कहाँ आपको ये लेटर दिख रहा है, उस लेटर के सामने नीचे हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, सर्कल द करेक्ट लेटर। देखिए फर्स्ट वन है ज़ा, इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, ज़ा। अब ज़ा का देखिए सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा है, चलो पढ़ो। यस, क्या लिखा है, खुबजुन। क्या लिखा है, खुबजुन। तो वही खुबजुन को जो ज़ा है, तो हम उस ज़ा के नीचे अंडरलाइन करेंगे जो हमको दिख रहा होगा सेम टू सेम। जैसे ये ज़ा है, ये ज़ा है, ये ज़ा यहाँ पर दिख रहा है, तो वो ज़ा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड वन देखिए मौजून, मौजून को ज़ा के नीचे अंडरलाइन कर दिया या फिर सर्कल कर दिया। आप सर्कल भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद है जज़रा, तो जज़रा में जो एक ज़ा वर्ड है, जो ज़ा लेटर है, उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे या फिर सर्कल यूँ कर देंगे ऐसा। देखिए अब उसके बाद फोर्थ वन देखिए जज़ारुन, क्या लिखा है, जज़ारुन, तो उसके नीचे ज़ा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है लेटर नून, क्या है, नून। अब नून से जो वर्ड में है, तो जो लेटर नून से मिल रहा है, उस लेटर के ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे या फिर सर्कल करेंगे। पूरा वर्ड क्या लिखा है, चलो बोलो। यस, नाफिजतुन, क्या लिखा है, नाफिजतुन। अब नाफिजतुन में आपको कहाँ पर नून दिख रहा है, आप उस नून के नीचे क्या करोगे बेटा, अंडरलाइन करोगे या फिर सर्कल करोगे। चलो अब नून के नीचे जो दिख रहा है हमको हम वो करेंगे, ये नून है, अंडरलाइन कर दिया। सेकेंड है नुकूदुन, क्या है, नुकूदुन। नुकूदुन में हम इस नून के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। थर्ड है सुंदुकुन, सुंदुकुन, स्वाद नून पेश, सुन दाल भाव पेश, दू सुंदू काफ दो पेश कुन सुंदुकुन, तो सुंदुकुन में नून जहाँ है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यस ये नून है। उसके बाद है शाहिनतुन, क्या है, शाहिनतुन, क्या लिखा है बेटा, चलो बोलो मेरे साथ, शाहिनतुन। तो शाहिनतुन के अंदर कहाँ पर नून है, उसके नीचे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। देखिए यहाँ नून के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। चलो नेक्स्ट है लेटर खा, क्या है बेटा, खा। तो खा से वर्ड है खालिदुन, क्या है वर्ड है, खालिदुन। खालिद ज़बर खा, लाम ज़ेर अली, खाली दाल दो पेशतुन, खालिदुन, तो उस खालिदुन में खा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है अखज़रुन, हमज़ा खा ज़बर अखज़ा ज़बर ज़ अखज़ा रा दो पेशतुन अखज़रुन, उस अखज़रुन में खा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, कर दिया। नेक्स्ट है खियारुन, क्या है, खियारुन, खा ज़ेर खी अली ज़बर या खिया रा दो पेशतुन खियारुन, तो उस खियारुन में हम खा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। देखो कर दिया। उसके बाद है खुबजुन, अब खुबजुन में जहाँ पर खा है उसके नीचे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। चलो अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट लेटर है दाल, क्या लेटर है बेटा, दाल। दवाउन, क्या लिखा है, दवाउन, दाल ज़बर द वावली ज़बर वा दवा हमजा दो पेश उन दवा उन, क्या लिखा है, दवा उन, दवा उन में जहाँ पर दाल है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। दिमा उन, दाल ज़ेर दी मीम अलिफ ज़बर मा दिमा हमजा दो पेश उन दिमा उन, तो उस दिमा उन में जिस दाल के नीचे अंडरलाइन करना है उस दाल के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है वालिदुन, क्या है, वालिदुन, वावली ज़बर वा लाम ज़ेली वाली दाल दो पेश दुन वालिदुन, तो उस वालिदुन में कहाँ पर दाल है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। देखिए कर दिया। देखिए यहाँ पर लास्ट में नेक्स्ट है जद्दुन, क्या है, जद्दुन, जीम दाल ज़बर जद दाल दो पेश दुन जद्दुन, जद्दुन, क्या है बेटा, जद्दुन, उस जद्दुन को
हम दाल के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड लेटर है सीन, क्या है सीन। अब सीन सा जो वो लेटर मिल रहा है सम वर्ड में उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सीन जबर सा मीम अलिफ जबर मा समा हमजा दो पेश उन समा उन, तो सीन के नीचे अंडरलाइन कर दिया। सिवारुन सवारुन सीन जबर सा वाव अलिफ जबर वा सवार दो पेश उन सवारुन उस सीन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सालिमुन सीन अली जबर सा लाम जेली मीम दो पेश मुन सालिमुन सीन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है समीमुन, क्या है बेटा समीमुन सीन जबर सा मीम या जेर मी समी मीम दो पेश मुन समीमुन, तो समीमुन में सीन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा सर्कल द करेक्ट लेटर या फिर अंडरलाइन द करेक्ट लेटर, है ना। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।